तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी शादी के लिए कपड़े लेने के लिए, मींस जो मेरे ससुर में आने वाला है वो सारे कपड़े लेने जाने हैं, शगुन के कपड़े। तो अभी भाभी भी आई है यहाँ पे, ये और मम्मी, संजू, मैं, भैया, सोनू, सब लोग हम साथ जा रहे हैं कपड़े लेने के लिए। और आई एम सो लकी कि बोलते कि श्रावण में बहुएं घर पे नहीं आती है, तो नेक्स्ट लास्ट मंथ में मैं श्रावण में आई थी संजू की प्री वेडिंग पे, और इस मंथ भी श्रावण में, इस बार दो श्रावण थे तो इस बार भी मैं आई हूँ। तो भाभी उनके मायके ही वो डायरेक्ट आ रही है, बिकॉज वो बोलते कि शादी के बाद पहली बार श्रावण में सास बहू साथ में नहीं रहती है, तो वो अभी आई है, मीन्स कपड़े लेने के लिए साथ में आई है, बाकी वो नहीं आएगी यहाँ पे। और अभी देखते हैं पसंद आते हैं कि नहीं आते। शादी का जोड़ा भी लेना है मुझे, रिसेप्शन का लहंगा भी लेना है, बहुत सारा कुछ लेना है। तो आज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग पूरी फैमिली। ये मेरे सुमन भाभी साड़ी पहन के आदर्श दिखाती हुए पैरों को, इतना साड़ी को ऊपर उठाते हुए, ये है महान। तो हम आ गए हैं उदयपुर के मालदास मार्केट में, गणेश वस्त्रालय में। यहाँ पे बहुत ही अच्छे कलेक्शन है, भाभी की शादी की साड़ियाँ भी वहीं से ली थी। पूरी शॉप है, तो यहाँ पर मैं ये बांधने की साड़ी वेयर करके देख रही थी, चुनर की साड़ी। तो इस साड़ी को वेयर करने का मीन सबका एक ड्रीम होता है कि शादी के बाद ही ये साड़ी वेयर कर सकते, उससे पहले नहीं कर सकते। तो मेरे लिए वो टाइम आ चुका है। तो मैं ये पहन के देख रही थी तो मुझे यहाँ शर्म आ गई थी कि अब मुझे ये साड़ी पहनने के मेरे दिन आ गए हैं। तो यहाँ पे सब लोग हंसने लग गए थे, बहुत सारी साड़ियाँ पसंद करके बाहर आते हुए आते गाल मसल दी। ये क्या है भाभी, ये देखो देखो। तो यहाँ पे मुझे सारी साड़ियाँ पसंद आ गई थी। मुझे आइडिया नहीं था कि एक ही शॉप से मैं इतनी सारी साड़ियाँ पसंद कर लूँगी। तो यहाँ मेरी साड़ियों की शॉपिंग पूरी हो गई है, और इनका ऊपर गोडाउन है, वहाँ पे हम लहंगा चॉइस करने आए हैं। मेरी साइज का नहीं है कि मैं मोटी हूँ, नहीं ये तो एक्चुअली कोई कस्टमर नाप का। यार ऐसा पाइज नहीं है, देख तो रहा नहीं है। मैंने इतने का इनका दीवाला निकाल दिया, दोनों गिन रहे फिर भी पैसे खत्म नहीं हो रहे। मिक्स वाली है, यार एडमिन को निकाल दे, बंडल बंडल निकाल दे एडमिन। लो अंकल, तो हम लोग निकाले ये भुक्कड़ है, मम्मी की प्लेट में से भी खाने लग गए। सोनू कैसी लगी पानी पूरी? अच्छी। तो संजू लाए हमारे लिए बर्गर, मैं संजू को खिला देता हूँ। छोटा खाना, बड़ा नहीं। नाउ दिस टाइम आवर टाइम, तो मैं और संजू अभी जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पर। संजू ने मुझे नहीं बताया, उनके फ्रेंड के यहाँ पे भी लेके जा रहे हैं। देन हम पापा के थैले पे जाएंगे शिकंजी पीने के लिए, इन्होंने मुझे बुलाया है। कई बार लेके गए लॉन्ग ड्राइव पे, बट मैं और संजू कभी अकेले नहीं गए ऐसे, इनके फ्रेंड्स या फिर मेरी सिस्टर हमेशा साथ में होते हैं, बट इस बार मैं और संजू दोनों अकेले जा रहे हैं।
तो मैं और संजू आ गए हैं रास्ते से बेदला माता जी सुखदेवी मंदिर। यहाँ पे मुर्गे भी हैं। हेलो हैं, कहाँ है घर में? तो संजू ने मुझे भी ये शॉल दे दी है, बिकॉज यहाँ के मंदिर में अलाउड नहीं है कि ऐसे ही आप नाइट वेयर वगैरह में जाते हो, सो मुझे ये दे दी। एंड मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ मैं आप लोगों को, संजू कभी मंदिर नहीं जाते, ये सिर्फ मेरे साथ जाते, ये तीसरी बार है जो मेरे साथ जा रहे हैं। देवी के मंदिर हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, इससे पहले महादेव के मंदिर गए संजू मेरे साथ दो बार, और ये देवी के मंदिर हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। जो इंसान कभी मंदिर नहीं जाता वो सिर्फ मेरे साथ जाता है। How my luck? My doo-doo. Yes, my doo-doo. Oh, my doo-doo. तो हम लोग की लॉन्ग ड्राइव खत्म हो चुकी है और बज रही है घड़ी में 11। आज हम फिर सेकंड डे आए हैं। अब मैं संजू के लिए साड़ी लेना है, उसके लिए भी लेनी है, कल पहले इनके लिए लिया था अब उसके लिए लेंगे। अभी ये देख रही है फर्स्ट की कैसी क्या लगती है, ये पूरी शॉप है। तो दीदी येलो वाली ना, मोर घंटी वाली ना, दो तीन आने क्यों दे, काले हल्के है मतलब, यूं हल्के नहीं मतलब, आना दीदी मैं क्यों मतलब, देखो मैंने मैंने काले येलो कलर भी नहीं बताई भी है ना, मैंने जो पसंद आई मैंने जबरदस्ती में पहन रहे लेनी पड़ी ताकि एक दिन मैंने ही पहरे ही देवा। तो हम सेकंड डे और संजू की शादी के कपड़े लेने आए। फिलहाल मैं वहाँ से ही मेरे ब्लाउज दिए ब्लाउज जो साड़ी से निकले थे वो लेने आई हूँ गणेश वस्त्रालय में। और सबसे बोरिंग काम होता है दुनिया का कि ऑनलाइन शॉपिंग करना, मींस ऑनलाइन किसी को पसंद करवाना, देन उसके बाद में हम चॉइस करते हैं उसके बाद में लेना। तो वो दो से चार घंटे हमको यहाँ हो गए थे, मेरा काम तो सिर्फ कल आधे घंटे में ही हो गया था। बट संजू मुंबई है तो मुझे उसके लिए शॉपिंग करनी थी ससुराल वालों की तरफ से, तो वो मैंने अभी की है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ज्वेलरी की शॉप पे, वहाँ देखते हैं। गोल्डन भी है, बड़ी नहीं है। तो फोटो होने यूनिट डबल 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 कर कर ये हम और ये हमारा बेबी भाभी ने स्पेशल हमको काट के भेजा था। कंप्लीट फैमिली, ये चिराग तो पूरा मामा जी लाग रहे हो कंप्लीट, अरे पूरा गांव में डंगड़ा कपड़ा नहीं भेजा है भाई, पूरा गांव में जादू है ये। संजू देखो इसमें करंट लग गया है संजू के बालों को। अब पीटी वाले ओ नहीं लाए तू लाओ यार, मैं सब संजू ये पेंटर खराब है। हां किसका देखो, सोनकी का कितना अच्छा फोटो लिया है ना, पेंटर ने संजू देखो ना सोनू का फोटो कितना अच्छा लिया है। ये हमारा देखो हम चाय चाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भाभी संजय ऑफिशियल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल मुझे निकलना है तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।